कमाल क्रिकेट के ताजा ताजा एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और भैया खबरें आज हमारे पास बड़ी खास हम खास हैं। एशिया कप को लेकर बड़ी खबर है, कपिल देव सर ने फिर से विराट कोहली पर कमेंट किया है और आज खेला जाएगा तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा ओडीआई मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान में। और भैया ध्यान रखिए कि आज का मुकाबला शाम 3:30 बजे से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। एक एक से श्रृंखला बराबर है, जो जीता वो सिकंदर और भैया जो हारेगा वो घर जाएगा ना रोते मायूस होते हुए यहाँ पर। और ऐसे में ये मायूसियत जो है दोनों टीमें चाहती नहीं है, दोनों टीमें यहाँ पर जीतना चाहती हैं। तो जो मुकाबला है ना उसकी इंटेंसिटी बड़ी टाइट होगी और ऐसे में खबरें भी यहाँ पर बड़ी तगड़ी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर है एशिया कप 2022 को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि वेन्यूज में यहाँ पर बदलाव होगा। श्रीलंका क्रिकेट बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी कि भैया हम होस्ट कर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ACC अब राजी नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ACC ने इनफैक्ट प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है एशिया कप 2022 को श्रीलंका से UAE शिफ्ट करने के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब आपको यही देखने को भी मिलेगा कि भैया एशिया कप UAE में होता हुआ नजर आएगा इस साल का, क्योंकि जो कंडीशंस हैं श्रीलंका में वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रही हैं। इस तरीके की अटकलें, इस तरीके की खबरें हाल फिलहाल में क्रिकबज ने भी रिपोर्ट की हैं। खैर दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये है कि भैया भारत के 2022 और 2023 का जो होम सीजन अब आने वाला है, मतलब अभी तो हम विदेश का दौरा कर रहे हैं, फिर हम आएंगे अपने घर, तो इस घर के जो है दौरे पे मतलब ना जो विदेशी हमारे आएंगे वो होने वाले हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये तीन टीमें दौरा करती हुई नजर आएंगी। एंड मत भूलिए कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर ठीक ठाक टेस्ट मुकाबले खेलने, 4 टेस्ट मुकाबले खेलने आ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है जोफ्रा आर्चर को लेकर, और इनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में वो वापसी करेंगे और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 का भी हिस्सा वो बनते हुए नजर आने वाले हैं। इस तरीके की रिपोर्ट्स ने हाल फिलहाल में क्लेम किया है, जो कि मुंबई इंडियंस टीम के फैंस के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद दोस्तों कपिल देव सर ने एक बार फिर से विराट कोहली पर स्टेटमेंट दिया। उनसे जब पूछा गया कि T20 वर्ल्ड मतलब स्पेशली वेस्ट इंडीज सीरीज को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली के कंपैरिजन में T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर आप इस वक्त अच्छे तरीके से नहीं खेल रहे हो तो फिर सेलेक्टर्स अपनी कॉल ले सकते हैं। अब सेलेक्टर्स ने यहां पर रेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया या फिर आप ड्रॉप किए गए, वो एक अलग चीज होती है, शायद ड्रॉप करना उतना सही वर्ड नहीं होगा, इसलिए सेलेक्टर्स ने यहां पर कहीं ना कहीं रेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। पर जितना हमें पता है विराट कोहली ने ही रेस्ट मांगा है, ना कि टीम मैनेजमेंट या फिर सेलेक्टर्स ने उन्हें किसी भी तरीके से ड्रॉप किया है। खैर इसके बाद कपिल देव सर ने यहां पर यह भी बोला कि मैं भी बिल्कुल चाहता हूं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर फॉर्म में हो, अभी भी उनके अंदर बहुत सारी क्रिकेट जो है बाकी है। एंड डेफिनेटली एज एन क्रिकेट फैन एज एन इंडियन क्रिकेट फैन वी ऑल वॉन्ट कि विराट कोहली का बल्ला काफी ज्यादा हल्ला करे। खैर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यहां पर IPL 2023 और उनके मतलब भविष्य को लेकर है, क्योंकि BCCI को ऑफिशियल ICC ने विंडो प्रोवाइड कर दी है अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2023 से लेकर 2027 का जो FTP जारी करने वाली है ICC, बहुत ही जल्द उसमें BCCI को एक्सटेंडेड IPL विंडो दे दी गई है 10 टीमों की आने की वजह से IPL को एक एक सप्ताह आगे पीछे बढ़ा दिया गया है, जो कि दिखाता है कि भाई साहब IPL का क्रेज कितना ज्यादा है। उस एक्सटेंडेड विंडो में बहुत ही लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होगी और टीम इंडिया का कोई भी सीरीज नहीं खेली जाएगी, यानी कि एक प्राइवेट विंडो यहां पर दे दी गई है ICC द्वारा, पूरे वर्ल्ड लीग द्वारा, कि भैया चलिए IPL कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यहां पर FTP को ही लेकर है, यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम को लेकर, और खबर यह है कि भैया ODI ट्रायंगुलर सीरीज की भी वापसी होने वाली है। जी हां दोस्तों, ODI ट्रायंगुलर सीरीज बहुत चर्चा में था कि यही एक तरीका हो सकता है ODI क्रिकेट को रिवाइव कराने का, और उसको लेकर ICC ने बोला कि चलिए 2023 से 27 का जो FTP है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे रिसेंट केस है वो 2024-25 के आसपास पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका खेलेंगे ट्रायंगुलर सीरीज। यहां पर ऐसा FTP तैयार किया गया है जो कि ESPN क्रिकेट इन्फो ने एक्सेस किया था। खैर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर T20 इंटरनेशनल अपकमिंग श्रृंखला को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो नया FTP यहाँ पर एक्सेस किया था ESPN ने, उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि कहीं ना कहीं आपको आगे 2023 से लेकर 27 के बीच 15 T20 इंटरनेशनल की 5 मैचों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब ICC को भी पता है कि भैया रेवेन्यू T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ही जनरेट कर रही है, लीग्स ही जनरेट कर रही है,
नहीं है, तो उन्होंने जो जो T20 के कॉम्पिटिशन होते हैं बिटवीन टू टीम्स, जो सीरीज होती है वो अब तक 3 मैचेस 4 मैचेस की होती थी, अब उसे कोशिश किया है कि 5 मैचेस की कर दी जाए और 23 से लेकर 27 तक ऐसे 15 5 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज देखने को मिलेगी। और गौरतलब ये भी है कि जिसमें से 9 ऐसी श्रृंखला होंगी जिसमें भारतीय टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो ICC को भी बहुत अच्छे से पता है कि भैया भारत पार्टिसिपेट करेगा तो हमारे ठीक ठाक पैसे बनने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बड़ी खबर है बांग्लादेश से। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ODI में आई थिंक वो कप्तान भी है, लेकिन भैया T20 इंटरनेशनल से उन्होंने बोला कि ओके टाटा गुड बाय, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। खैर दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट यहां पर सूर्य कुमार यादव को लेकर है। जी हां, आज मुकाबले से पहले सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने बोला कि उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा रही है, हम क्रिकेट पर काफी बात करते हैं और वो हमेशा चाहते भी हैं, मुझे बताते भी हैं कि मैं कैसे और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो मेरा माइंडसेट है वो वनडे क्रिकेट में बिल्कुल सेम है, जैसा T20 में होता है वैसा ही है भाई साहब, कोई बदलाव नहीं है। वनडे में भी 4-5 मतलब फील्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस हो ही रहती ही हैं और वहां पर आप ठीक ठाक पिटाई कर सकते हो। तो भाई साहब यहां पर मेरा जो प्लान है, जो नेचुरल गेम है, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जब बातचीत हो यहां पर आज स्टैट्स ऑफ द डे, आंकड़े ऑफ द डे के बारे में, तो भैया आंकड़े यही है ना कि आज का जो मुकाबला है वो ओल्ड ट्रफर्ड मैनचेस्टर में, ये वही ग्राउंड है जहां पर आखिरी बार ODI मुकाबला भारत ने ना इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2019 ODI वर्ल्ड कप खेला था। और मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ खास ज्यादा बताने की जरूरत है, आपको पता है उसका परिणाम क्या था और कैसी यादें यहां पर भारतीय टीम की जो लास्ट उस मैदान के साथ जुड़ी होंगी। खैर आज जो मेरा सवाल है वो आप लोगों से बहुत ही सीधा सीधा है कि भाई साहब कौन जीत रहा है आज का मुकाबला, क्या लगता है कौन क्लेम करेगा इस श्रृंखला को, एक एक से श्रृंखला बराबर है? लेट मी डेफिनेटली नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।